नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पृथ्वी क्योर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एक हम टेरिस गार्डन बनाए हुए हैं जिसमें हम कुछ सभी याद बीज को बोएंगे, तो हमने सोचा रिकॉर्ड करें। ये देखिए दोस्तों, ये पुदीना का है, पुदीना को हमको हटाते हैं। ये मेरा खाली है, सूख गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंगस आ गए थे, तो इसलिए पानी की मात्रा को हमने कम कर दिया ताकि ड्राई हो जाए मिट्टी और इसमें बोने लायक रह जाए। और दोस्तों इसमें हम ये जो मकई का जो होता ना मक्का का बीज निकालने के बाद जो उसमें बचता है उसको हमने इसमें लगाया है, क्योंकि इसमें से इसे पानी सोखने की क्षमता होती है। और साथ में आप लोग देख सकते हैं, साथ में धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होगा तो उसमें खाद भी बनाए रखिएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं आज क्या क्या बीज लगाने जा रहा हूँ। तो ये लहसुन का है, लाल वाला लहसुन का है, और साथ में ये मटर है। ये सब्जी वाला मटर आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो फिर सब्जी वाले मटर का बीज है जो बहुत अच्छी वैरायटी का है, जो लाल लाल कलर है। ये दवा है तो फंगस वंगस इसमें ना लगे। तो देखिए दोस्तों, तो इसको चलिए हम लगाते हैं, अब दिखाते हैं कि कैसे इसको हम लगाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम इस मिट्टी को पूरा अच्छे से इसको कोड़ दिए हैं क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट है। अभी मैं पानी डालूँगा तो ये साफ़ हो जाएगी। फिलहाल के लिए पहले हम लहसुन लगाएंगे। लहसुन को ध्यान देना है, इसको इस वाले पार्ट को नीचे ही लगाना है, इसको ऊपर लगाना है। जैसे इसमें दिखा रहे हैं इसको नीचे गाड़ना, ये बहुत नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया है और इसको बहुत अंदर तक नहीं डालेंगे। अंदर तक डालने से क्या होता है ना कि बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता है, तो इसको ऊपर डालेंगे तो अच्छे से ग्रो भी कर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होता है, निकलता नहीं है, क्योंकि इसमें पहले रूट निकलता है तो उसके बाद ऊपर से वो निकलेगा तो रूट पकड़ लेता है। प्याज की तरह हमने इसको अच्छे तरीके से साइड साइड में किनारे किनारे में लगाया है। यहाँ की मिट्टी टाइट है तो इसको मिट्टी को लगाते हैं, इसके बाद पानी डालेंगे। तो और ये देखिए दोस्तों, ये डिकम्पोस्ट होना शुरू हो गया है। ये मकई का जो मकई का बीज निकालने के बाद जो बचता है तो उसको हम लोग इसको लगाते हैं। इसे लगाने से क्या होता है, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता है और ज़्यादा फंगस भी नहीं लगता है और इसमें क्या खाद बरकरार रहता है इसमें। तो इसको इसी में छोड़ देते हैं। फिलहाल हम लहसुन लगाते हैं। तो इसमें ढेर सारा लहसुन तो नहीं लगाएंगे, अभी थोड़ा लगाएंगे। और आप अपने घर पे भी, टेरिस पे भी, गमले में भी इसको लगा सकते हैं। तो हमने फाइनल लहसुन लगा दिया। लगाने के बाद अब इसको हम मिट्टी से ऊपर है इसे भुरभुरी मिट्टी डाल देंगे ताकि ये निकले ना, क्योंकि जब उसमें रूट आता है तो रूट आएगा नीचे से तो लहसुन को थोड़ा और ऊपर ढकेल सकता है, तो इस वजह से ऊपर आ जाते लहसुन, तो इस वजह से मिट्टी डालेंगे ताकि इस पर दबाव बने रहे। और अब ये पानी डालेंगे तो इस पर नमी भी आ जाएगी, इसलिए इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद अब हम मटर का बीज लगाएंगे। तो मटर का बीज लगाने के लिए सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग इसको किए थे, जैसे लहसुन लगाए हैं वैसे। मटर का बीज बहुत अंदर तक नहीं लगाना रहता है, तो चलिए हम मटर का, ये मटर है इसको हम इसमें लगा के इसको ढक देंगे, बहुत नीचे तक नहीं लगाएंगे। ये छोटे एक छोटी वैरायटी का होता है मटर, आप गमले में भी लगा सकते हैं या फिर कोई बड़ा गमला उसमें भी लगा सकते हैं, ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे फल आते हैं, तो इसको हम लगाना शुरू करते हैं। इसे लगाएंगे और फिर इसको मिट्टी से ढक देंगे। इसे इसको से लगाएं, लगाने के बाद थोड़ा से दाबेंगे और मिट्टी से ढक देंगे। इसमें आप नीचे ऊपर गोल, क्योंकि बीज गोल होता है तो आराम से निकल जाता है, आपको इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा भाग नीचे करना है कौन सा ऊपर। अरे दोस्तों, हमने वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम इसको लगा के फिर वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने लगा दिया। अब इस पानी को इस तरीके से डाल देंगे क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट, तो थोड़ा नमी बरकरार रखने के लिए ज़्यादा पानी डालेंगे।
हम इसमें पानी इसको डाल के भिगो देंगे। दोस्तों आपको भी लगाना हो तो प्रेस पे गार्डन पे कहीं भी लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लिक करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।